नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार के साथ। अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। संविधान पीठ ने कहा यह सिर्फ जमीन विवाद नहीं बल्कि भावनाओं और दिल से जुड़ा मामला है। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीपीसीएल डिपो समेत 1000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा कर्नाटक के विकास के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करने पर जोर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में कहा सार्वजनिक सफाई को लेकर मानसिकता में बदलाव जरूरी। इंदौर को लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार। उत्तराखंड के गौचर को मिला सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार। ट्विटर के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के प्रतिनिधि तलब। संसदीय समिति के सामने में रखेंगे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपना पक्ष। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पेशी अहम। और लैटिन अमेरिकी देश पाराग्वे पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का शानदार स्वागत। पाराग्वे के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात आज। द्विपक्षीय व्यापार पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की उम्मीद। अयोध्या भूमि विवाद मामले में कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता को लेकर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि यह सिर्फ जमीन विवाद नहीं है, ये भावनाओं और दिल से जुड़ा मामला है। अदालत ने कहा कि इसका हल दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए निकालना चाहिए। अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा जो पहले हुआ उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, अब विवाद क्या है हम उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट चाहता है कि आपसी बातचीत से इसका हल निकले। अदालत ने सभी पक्षकारों का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से मध्यस्थता के लिए पैनल सदस्यों का नाम सुझाने को कहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र का। रविंद्र, क्या कुछ बातें आज खास तौर पे रखी गई दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने क्या कुछ कहा? जी देखिए अभिलाषा, अलग अलग जो पिटिशनर थे जो याचिका करता है उन सब का तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले उनको अपने अपनी बात रखने का मौका दिया। जिसमें जो अगर हम लोग ब्रॉडली दो अलग अलग याचिकाकर्ताओं में दो हिस्सों में डिवाइड करें तो मुस्लिम और हिंदू जो पक्ष थे, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से माफ कीजिए अधिकतर जो वकील थे उन्होंने कहा कि वो लोग चाहते हैं कि मीडिएशन का प्रोसेस जो है उसको फॉलो करने की कोशिश की जाए। जबकि जो हिंदू पक्ष था उसमें अगर निर्मोही अखाड़े को छोड़ दिया जाए जिन्होंने कुछ राइडर्स के साथ ये बात कही कि अगर मीडिएशन होगा तो कुछ जो है शर्तें उसमें इस तरह की लगाई जानी चाहिए। तो उसके अलावा लगभग खासतौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ से जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ये मीडिएशन का जो प्रोसेस है इसको अभी अपनाने की फिलहाल जो है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लंबे अरसे से मामला अभी लंबित है। तो साथ ही इसके बाद जब सब तरफ से जो सुन लिया गया था सुनवाई जब हो गई थी उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो भी याचिकाकर्ता भी हैं उन लोगों को अपनी तरफ से पैनल के लिए मीडिएशन मीडिएटर्स की तरफ का नाम सुझाव देना चाहिए जिससे कि फिर ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऑर्डर इस पर जारी कर सके। तो ये तमाम बहस के बाद और इस पर जो है ऑर्डर आदेश जो है सुरक्षित रख लिया गया है। अगली तारीख का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। उम्मीद है जब डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी हम लोगों को मिलेगी शायद उसमें अगली तारीख का जी। बिल्कुल रविंद्र, और आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और राफेल मामले पर भी सुनवाई चल रही है, क्या कुछ अहम बातें हैं आज की सुनवाई में? करीब 1:30 बजे राफेल मामले पर सुनवाई शुरू हुई है और सॉरी माफ कीजिएगा 12:30 बजे सुनवाई शुरू हुई और आधा घंटे के आसपास जो है वो सुनवाई चली है और 2 बजे से दोबारा सुनवाई शुरू होगी। तो सबसे पहले जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की है उनके वकील प्रशांत भूषण ने
जो है अपनी बात कहते हुए कहा कि जो मेन जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया था उसमें से कुछ अहम तथ्य जो है वो छूट गए थे जो कि उन्होंने अपनी पिटीशन में डाले थे, तो उन तथ्यों पर दोबारा से सुनवाई की जाए। तो इस बीच जो है के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो कुछ अखबारों में खबरें छपी हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है, वो जिक्र जो है वो कुछ स्टोलन डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो चुराए गए कागजात हैं उनके आधार पर बनाई गई वो रिपोर्ट हैं, इसलिए जो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वॉयलेशन हुआ है उनके तहत मुकदमा चलना चाहिए और इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि इस तरीके की जो है रिपोर्टिंग वो की जाए। तो इस पर अभी क्योंकि थोड़ी देर ही बहस हुई है और बहस लंच के बाद दोबारा शुरू होगी, तो उसमें हम लोगों को देखना होगा कि इस रिव्यू पिटीशन पे आगे सुप्रीम कोर्ट क्या रुख किया करता है। जी बिल्कुल रविंद्र, और ये भी बात सामने आ रही है कि हिंदू अखबार के जो आर्टिकल्स थे उनको खास तौर पर शामिल किया जा रहा है और कोर्ट के सामने उन तथ्यों को, उन मीडिया रिपोर्ट्स को सामने रखने की बात भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, वही जो आज भी कुछ छपा है हिंदू अखबार में और इसके पहले भी जो छपा था, तो जो जानकारी हिंदू अखबार के पास आई है और वो जानकारी जिन कागजात के थ्रू आई है, वो जो कागजात हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को जिस तरीके से चुराया गया है, ये शब्द जो है प्रयोग किए थे, स्टॉलन डॉक्यूमेंट्स बोला था के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ने, और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि जब आपको इस बात की जानकारी लगी कि ये डॉक्यूमेंट चुरा लिए गए हैं तब आपने क्या एक्शन लिया, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है कि आखिर कौन लोग इसके पीछे थे, क्या कुछ पूर्व अधिकारी इसके पीछे थे जिन्होंने कागज चुराए हैं या फिर कोई और लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उस पर मैं अभी जो है इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है और इस पर तफसील से जानकारी कोर्ट को लंच के बाद जो है वो सरकार की तरफ। चलिए रविंद्र, और आप नजर बनाए रखिए सुनवाई पर, हम लौटेंगे आपके पास ताज़ा अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आइए खबरों में बढ़े आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के कलबुर्गी के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कलबुर्गी में प्रधानमंत्री राज्य की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने बेंगलुरु में आयकर अपीलीय अधिकरण, ESIC और मेडिकल कॉलेज और हुबली में KIMS का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक राष्ट्र को समर्पित किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक और कलबुर्गी के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता हमेशा जताई है और इसी कड़ी में उन्होंने आज भी 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कांग्रेस पर विकास परियोजनाओं को पूरा करने में देरी का आरोप भी लगाया कि यहाँ के सामान्य जनों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अनेक काम केंद्र सरकार कर रही है, आप सभी साक्षी रहे हैं कि कांग्रेस ने कलबुर्गी और कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था उनको हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। विकास की इसी गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी कर करके मैं मंच पे आया हूँ। वहीं तमिलनाडु के कांचीपुरम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क और रेलवे से संबंधित राज्य की बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री 5,000 करोड़ रुपए की लागत की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से कुशल, तेज और सस्ते परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ईरोड करूर तिरुचिरापल्ली और सलेम करूर डिंडी गुल रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने तमिलनाडु की ये दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा कन्याकुमारी की थी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए विस्तृत सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और चेन्नई के समीप केलाम्बक्कम में वो एनडीए रैली को संबोधित करेंगे। रैली में एनडीए में शामिल तमिलनाडु की पार्टियां शामिल होंगी, जिनमें एआईएडीएमके, पीएमके के नेता भी हिस्सा लेंगे। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके का बीजेपी और पीएमके के साथ गठबंधन होने के बाद इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और उधर डीएमके ने लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है। तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की एक सीट मिलाकर 40 सीटों में से डीएमके 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसने कांग्रेस के लिए 10 सीट, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके को दो दो सीट देने का ऐलान किया है। वहीं एमडीएमके, आईजेके, आईयूएमएल और केडीएमके को एक एक सीट देने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अभियान को झटका लगा है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ उसका गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित ने खुद इसका ऐलान किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर दिल्ली के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें आप से गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया गया था। डिसीजन था कि क्या हमें गठबंधन करना चाहिए नहीं, तो यूनानिमस डिसीजन यही हुआ कि गठबंधन नहीं होगा। राहुल जी ने थे वहाँ पे, राहुल जी के सामने ये डिसीजन हुआ, तो इट्स फाइनल। और उधर एसपी बीएसपी गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने की औपचारिक घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही हमारे साथ गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की दो सीटें छोड़ी गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल झारखंड के गोड्डा में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, उनके परिवार के साथ संथाल की जनता चट्टान की तरह खड़ी है। ये वो भूमि है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी। केंद्र और झारखंड में पूर्ण बहुमत बनने के बाद पता चला कि विकास कैसे होता है। एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, और मित्रों इसलिए पूरी दुनिया में हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी के नाते जानी जाती, और मुझे आपको सभी को गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो कार्यकर्ताओं की पार्टी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019 के विजेताओं को विज्ञान भवन में आज उन्होंने सम्मानित किया, और स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में इंदौर को तीसरी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ राजधानियों में भोपाल पहले स्थान पर रहा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने बाजी मारी है। सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार उत्तराखंड के गौचर को दिया गया। सबसे स्वच्छ कैंट का खिताब दिल्ली कैंटोनमेंट को दिया गया। छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार मिला है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता को प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए जरूरी है कि ये सभी नागरिकों की आदत, स्वभाव और व्यवहार का हिस्सा बने। बहुत से लोग व्यक्तिगत सफाई, अपने घर की सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन सार्वजनिक सफाई के प्रति उदासीन रहते हैं। इस मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। स्वच्छता को प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए जरूरी है कि यह सभी नागरिकों की आदत, स्वभाव और व्यवहार का हिस्सा बने। जीने का तरीका स्वच्छता पर आधारित हो, सोचने का तरीका स्वच्छता पर केंद्रित हो। बहुत से लोग व्यक्तिगत सफाई, अपने घर और परिसर की सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन सार्वजनिक और सामुदायिक सफाई के प्रति उदासीन रहते हैं। इस मानसिकता में भी बदलाव लाना जरूरी है। सर्वत्र स्वच्छता ही प्रभावी स्वच्छता होती है। स्वच्छता की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए स्वच्छता की संस्कृति को नागरिकों के जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। स्वच्छता को लेकर लोगों में गर्व की भावना होनी चाहिए।
इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों पर और अधिक बल देना होगा। सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता को पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विषय बनाना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के परिणामों को स्थायी और प्रभावी रूप देने के लिए होलिस्टिक और सस्टेनेबल सैनिटेशन पर जोर दिया जा रहा है। किसी भी शहर या गांव के लिए खुले में शौच से मुक्त होना स्वच्छता की पहली पायदान है। स्वच्छता की सुविधाओं का निरंतर उपयोग, उनका समुचित रखरखाव, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रबंधन, नदियों, झीलों और वाटर बॉडीज को मल प्रदूषण से मुक्त रखना सतत स्वच्छता के लिए जरूरी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि स्थायी स्वच्छता से जुड़े इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है और प्रगति भी हो रही है। The urban transformation that is being attempted through the Prime Minister's flagship programs and the programmatic interventions is the most comprehensive and ambitious framework of planned urbanization being undertaken anywhere in the world. Today, ladies and gentlemen, is to assure you that whilst we have completed more or less the physical targets of this scheme, construction of individual household toilets, where we have reached a figure of 94% and will complete the 100% in the next month or so, community toilets, 500,000, which we have already completed, and we are well towards completing the physical targets set for 2nd October 2019, but I believe this is the start of the journey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निजी बैंक अकाउंट से 21 लाख रुपए कुंभ के सफाई कर्मचारियों के लिए बने फंड में दान किए। प्रधानमंत्री ने कुंभ 2019 के शानदार आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी और कहा कि इसने संस्कृति और आध्यात्मिकता को बेहतरीन तरीके से दर्शाया है। सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण भारत में 93% घरों में शौचालय की सुविधा है। ग्रामीण परिवारों में 96.5% लोग इसका उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 में 90.7% गांवों के खुले में शौच मुक्त होने की भी पुष्टि की गई है। इन गांवों को विभिन्न जिलों और राज्यों ने ODF घोषित किया था। ये सर्वेक्षण एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की निगरानी में किया है। सूचना तकनीक पर संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर के बाद अब फेसबुक के अधिकारियों को आज तलब किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के वरिष्ठ प्रतिनिधि आज IT मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश हुए और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। आगामी चुनावों में सोशल मीडिया पर उपलब्ध आंकड़ों के दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच अधिकारियों को तलब किया जाना बेहद अहम है। इस मसले पर ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल पॉलिसी प्रमुख समेत दूसरे अधिकारी संसदीय समिति के सामने 25 फरवरी को पेश हो चुके हैं। इधर केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों में आरक्षण रोस्टर को लेकर गुरुवार तक अध्यादेश ला सकती है और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक अध्यादेश कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण रोस्टर बहाल करने को प्रतिबद्ध है और इस संबंध में किसी विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इस संबंध में छात्रों और शिक्षक संगठनों की ओर से सरकार से आग्रह किया गया है कि शिक्षण पदों में आरक्षण इकाई के रूप में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट की रोस्टर प्रणाली को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। आरक्षण होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटिशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और दो दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको दो दिन में न्याय मिलेगा, इतना मैं आज आश्वस्त कर सकता हूं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उद्योगों को भरोसा दिया है कि सरकार राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए कर की दरों को कम करने और कर आधार को बढ़ाने का प्रयास करेगी। जेटली ने उद्योग मंडल फिक्की के साथ बातचीत में उद्योगों से जीएसटी की घटी हुई दरों का लाभ ग्राहकों को देने को कहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था अब पटरी पर है और ये तेजी से स्थिर हो रही है। सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधारों को जारी रखेगी ताकि देश में कारोबार करने की प्रक्रिया को तेजी से आसान बनाया जा सके। जेटली ने उद्योगपतियों से विभिन्न वस्तुओं की दरों में कमी के संबंध में जीएसटी परिषद की हालिया सिफारिशों का अनुपालन करने और उपभोक्ताओं को इसका लाभ पहुंचाने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर राज्य में आयुष्मान भारत जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं, किसानों को 6,000 रुपये और श्रम मान योजना की अनुमति नहीं देने का जिम्मेदार ठहराया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। सो वेदर इट्स हाउसिंग फॉर द पुअर और इट्स आयुष्मान भारत वेदर गेट अ गोल्डन कार्ड वे 14 lakhs ऑल ओवर द कंट्री हैव ऑलरेडी अवेल्ड द 5 lakh गोल्डन कार्ड फॉर बिग ऑपरेशन देर नॉट अ सिंगल पुअर पर्सन इन पंजाब हु हैज़ गॉट दिस गोल्डन कार्ड सो आई एम श्योर इवन द श्रम मान दान विच हैज़ बीन इनोग्रेटेड बाय द PM आई डाउट इफ दैट ऑल्सो विल बेनिफिट एनीबडी इन पंजाब बट दिस इज़ नॉट ओनली दीज सेंट्रल स्कीम्स इफ आई टॉक अबाउट माई ओन मिनिस्ट्री It's surprising that in 2 years, the only letter I get from the Chief Minister is on the 28th of February, 10 days before the Code of Conduct comes in. Otherwise, for last 2 years, there's thousands of crores which are being distributed all over the country. Not once, despite my repeated letters to the Punjab government. केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ ये खास बातचीत आप देख सकते हैं हमारे कार्यक्रम टू द पॉइंट में आज रात 10 बजे। रक्षा मंत्रालय ने सेना में महिलाओं को लेकर अहम फैसला लिया है। ये फैसला भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका के बारे में काफी बड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि अब सेना की सभी शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा और इसका मतलब अब रिटायरमेंट की उम्र तक महिलाएं सेना में काम कर सकती हैं। अब महिलाओं को सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस में भी स्थायी कमीशन दिया जाएगा। इससे पहले सेना की 10 शाखाओं में महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन का प्रावधान था, लेकिन अब महिलाएं अपनी मर्जी के मुताबिक या फिर रिटायरमेंट की उम्र खत्म होने पर ही नौकरी छोड़ सकती हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सशस्त्र बलों में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाली महिला अधिकारियों के पास स्थायी कमीशन लेने का विकल्प होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे के पहले चरण में पराग्वे पहुंच चुके हैं। भारत की ओर से ये पराग्वे की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। राजधानी असुन्यौन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का स्वागत पराग्वे के विदेश मामलों के उपमंत्री ह्यूगो ने किया और उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी शामिल है। इसमें पर्यटन राज्य मंत्री KJ अल्फोंस, सांसद राजकुमार कश्यप समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति पराग्वे में 7 मार्च तक रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति पराग्वे के साथ शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, खनन दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव समेत योग और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना विशेष तौर पर इस पर चर्चा होगी और द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पराग्वे के उपराष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति पराग्वे में राष्ट्रीय कांग्रेस
के साथ बैठक करेंगे और पराग्वे में भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित एक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे। भारत पराग्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है और ये 2008-09 के 4 करोड़ डॉलर के मुकाबले 2017-18 में बढ़कर 33.4 करोड़ डॉलर हो चुका है। पराग्वे के राष्ट्रपति मई 2012 में भारत यात्रा पर आए थे। पराग्वे से भारत आने वाले वो पहले अति विशिष्ट अतिथि थे। यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति कोस्टारिका का दौरा करेंगे। भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20 करोड़ डॉलर का है और भारत से कोस्टारिका को कुल 33.3 करोड़ डॉलर का निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और फार्मा शामिल है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा F-16 लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल पर अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता रॉबर्ट पैलाडिनो ने कहा कि सारी रिपोर्ट्स की बारीकी से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के लिए एक गंभीर मुद्दा है। The position of the United States is we continue to urge both sides to continue to take steps to de-escalate the situation and that includes through direct communication, and we believe strongly that further military activity will exacerbate the situation. So we reiterate our call for Pakistan to abide by its United Nations Security Council commitments to deny terrorist sanctuary and to block their access to funds. Regarding your second question, this happened in Hanoi last week, actually. Secretary Pompeo led diplomatic engagement directly, and that played an essential role in de-escalating the tensions between the two sides. He spoke with leaders in both countries. And that included the Indian Minister of External Affairs, Swaraj, National Security Advisor, Doval, and Pakistani Foreign Minister, Qureshi. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।